भास्कर, आप नेशनल भारत के साथ में राकेश। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यूं कहें कि भाजपा ने अपनी चुनावी बिगुल फूंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 9 जून को बिहार के लोगों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब तारीख में थोड़ा बदलाव किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अब 9 जून की बजाय 7 तारीख यानी कि 7 जून को ही वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। सोमवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी दी थी कि 9 जून को गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अगले 2 दिन यानी कि मंगलवार को तारीख बदल दी गई और 2 दिन पहले 7 तारीख को ही रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। सोमवार को प्रेस वार्ता में संजय जायसवाल ने कहा था कि हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम उनके संबोधन को 1 लाख से अधिक लोग एक साथ सुने। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बिहार में 2 बड़ी वर्चुअल रैली होगी और इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी छोटे स्तर पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को संबोधित किया जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली और यही वजह है कि लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संबोधित करेगी और चुनावी रैली का आगाज भी करेगी। 7 जून को अमित शाह की रैली होने वाली है। यूं कहें कि ये सब कुछ सोशल मीडिया पर होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोरोना की वजह से ये जो नया प्लेटफॉर्म मिला है, देखना ये अहम होगा कि लोगों का फीडबैक क्या मिलता है और विपक्षी पार्टीज पर सियासत कितना कर पाते हैं। फिलहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशनल भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।